हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस स्टेम एजुकेशन। अच्छा बेसिकली कौन ना मो पाखु गोटे आसी ये पीडीएफ, ये ऑफिशियली कि न आप जानते बट मो पाखु ये पीडीएफ आसी। आई थिंक ये पेपर कटिंग रो जहाँ थिला से पीडीएफ, बट ए पीडीएफ आई थिंक पेपर कटिंग रे कलर नथिबे टी कलर अछि। मींस ये मो पाखु गोटे पीडीएफ आसी, तो ये आई थिंक आप चेक करेंगे ऑफिशियल कि न ऑफिशियल। जब ऑफिशियल है तो आई थिंक ऑफिशियल ही है, कारण ये सीआईएन मीन आप कलर आ तो छाड़ू जहाँ हो दरकार। अच्छा जहाँ भी आपंकर पेपर कटिंग थी से जिनस तो ऑफिशियली, बट ये बहुत बड़ा मिस्टेक्स मुझे 14 तारीख एग्जाम स्टार्ट हो एग्जाम स्टार्ट कर 8 तारीख रु। 8 तारीख में आईबीपीएस रे भी एग्जाम अच्छी, 9 तारीख रु ये भितर तो आपंकर आई थिंक ओएस एग्जाम भी मेन्स एग्जाम पड़ जा। अच्छा मुझे 14 तारीख एग्जाम स्टार्ट कर 8 एग्जाम स्टार्ट कर, तो ये बहुत बड़ा गोटे बहुत बड़ा टेंशन आसो पाई। जो मर एग्जाम क्लीयर किसी किसी ना, बट से जो मैंने अलरेडी आईबीपीएस क्लर क्लीयर हो मेन्स एग्जाम देवे तो से तो गोटे चान्स पलि आ पचे थे बुझिपाले। तो तापरे हाँ 14 तारिख सरुची। अच्छा 14 तारिख सरुची। अच्छा 14 तारिख सर चलो एनटीपीसी एग्जाम अच्छी, बट जो 8 तारिख आईबीपीएस एग्जाम सहित क्लास हो ओएस एग्जाम सहित आई थिंक क्लास होके okay? तो 8 तारीख 9 तारीख ये दुटा, तो ये बेटर 8 तारीख एग्जाम न करके ये 10 रु स्टार्ट करते बेटर रही था बुझिपाले। तो ठीक अच्छे ये 8 रु स्टार्ट कर, तो ये डिपेंड करे आपन को परे आपन आईबीपीएस एग्जाम देवे ना ओएमसी एग्जाम देवे। आपन जब आईबीपीएस एग्जाम देवे तो ओएमसी एग्जाम को आपको छाड़क पड़ो, जब ओएमसी एग्जाम देवे आईबीपीएस एग्जाम छाड़क पड़ो, कारण आईबीपीएस अलरेडी आप क्लर क्लीयर मेन्स एग्जाम दौरान, बट ओएमसी आप प्रिलिमिनरी एग्जाम दौरान, तो यहाँ आप डिसाइड करे। तो बहुत भल कथा कि मेहनत कम लगी ओएमसी एग्जाम करूँ, बट आउ डिपेंड कर आर प्रोसेस के टाइम, बट आप प्रोसेस जदि लेट्रे पड़गला तो ये बहुत आपको आगे टेनसन दब। एग्जाम देखिए खाली बस जी कि लाभ ना, प्रिलिमिनरी देदेवे जदि रेजल्ट जल्दी मुझ तो चाहूँ जल्दी रिजल्ट बाहर एंड ये आंसर की जल्दी बाहर कर दे ओएमसी तरह आंसर की आई थिंक जल्दी बाहर कर दिए, बट रिजल्ट जल्दी बाहर करके एग्जाम जल्दी करके जॉइनिंग जल्दी देवार प्रोसेस अच्छे बुझिपाल। एंड ये थे प्रिलिमिनरी एग्जाम सरु मेन रिजल्ट के टाइम नौपर हम किसी डिसीजन नहीं पारे आप आगे किसी एक्शन नहीं पारे, कारण ये प्रिलिमिनरी एग्जाम सर ही प्रिलिमिनरी एग्जाम सरला आप रिजल्ट डिपेंड करेंगे, तो तापर भी आपको जनवर अच्छे ओके। तो ठीक अच्छे, तो ये आई थिंक ऑफिशियल कारण ये कलर फोटो है तो मतलब लगुच, तो जदि आप ये जो ऑफिशियल न होइतिबो तो आप निजे देखिदेवे, बट आई थिंक ऑफिशियल ही होइतिबो, बट ये साइन ऑफिशियल होइतिले साइन सिग्नेचर होया कथा, बट सिग्नेचर ठीक अच्छे आप देखिदेवे एटा थोड़े देखिए आप कौन से ऑफिशियल मिलला देखिदेवे एटा ऑफिशियल कि नॉन ऑफिशियल ओके। तो मतलब लगुच ये पेपर कटिंग रे जहां लिखा हैतला या से ही अच्छे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ओके, थैंक यू।